हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस टॉपिक का एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन ये थ्योरम प्रूफ करने से के साथ साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए भी। मीन्स इस थ्योरम का स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर तरीके के एग्जाम में। तो आप इसका स्टेटमेंट और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, इस चीज पे भी बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट करिए। और बाकी प्रूफ तो हम लोग अभी देख ही लेंगे। तो इस थ्योरम का नाम क्या है? ये थ्योरम अपने नाम से ही पॉपुलर है, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, जिसका स्टेटमेंट कहता है इफ अ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेस टू n एंड sn इज अनदर सीक्वेंस लाइक as, then sn इज आल्सो कन्वर्जेस टू n। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास xn एक सीक्वेंस है, मींस xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट है l, और कोई अदर सीक्वेंस है sn जिसका जनरल टर्म मतलब nth टर्म कुछ बहुत टिपिकल टाइप का है, मतलब थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है, तो उस सीक्वेंस की भी कन्वर्ज एल की ओर होगी, मतलब उसकी भी लिमिट एल होगी। हमें यही यहां पर प्रूफ करना है। इस थ्योरम के कहने का क्या सेंस है? तो ये है इस थ्योरम के कहने का सेंस, सिंपल सा सेंस है, और हम लोग उसी सिंपल से सेंस का यूज करते हुए यहां पर इसका प्रूफ भी करेंगे। और थ्योरम का स्टेटमेंट आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि थ्योरम का प्रूफ तो हम कर ही लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि खुद भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर ये दिए क्या है, हियर गिवन दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल दैट इज लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एल। हाँ, और काफी बड़ी थ्योरम है, तो हो सकता है कई बार इस थ्योरम में हमें रफ करना पड़े, तो वो चीज भी ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज तो हम लिख लेंगे, अलग कर लेंगे, लेकिन जो चीज रफ करना पड़े उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर xn एक लिमिट सीक्वेंस है जो l की ओर कन्वर्ज है, तो मींस xn की लिमिट होगी l, और इसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर xn एक सीक्वेंस है जो l की ओर कन्वर्ज है, तो मतलब ये सीक्वेंस यहां से चलना स्टार्ट करेगी और इसका एम क्या होगा, l पर पहुंचने का। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, और अगर हम xn सीक्वेंस है और हमको दिल्ली की ओर कन्वर्ज करना है, दिल्ली की ओर पूछना है, तो हमारा हर एक स्टेप मतलब सीक्वेंस का हर एक टर्म एल की ओर अप्रोच करेगा, मींस एल की ओर बढ़ता जाएगा। हमने पहला स्टेप लिया तो हमारी दिल्ली से डिस्टेंस कम हो गई, दूसरा स्टेप लिया तो दिल्ली से स्टेप डिस्टेंस और कम होती चली गई। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, हम देखिए यहां से हमको 400 किलोमीटर अवे अगर हमें अप्रोच करना है ना, कि हम यहां से चलेंगे और हमें 400 किलोमीटर आगे कहीं पे पहुंचना है कोई पॉइंट, तो हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक क्या कह सकते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप लिया, मान लीजिए 400 किलोमीटर का फर्स्ट स्टेप 400 किलोमीटर का हमने लिया, तो इसी को कैसे कह सकते हैं? एक चीज तो हम कह सकते हैं कि हमने 400 किलोमीटर का स्टेप लिया, दूसरी चीज हमें 100 किलोमीटर का स्टेप लिया, दूसरी चीज हमें पता है कि हमें 400 किलोमीटर पे अप्रोच करना है। तो हमने जब 100 किलोमीटर का स्टेप लिया, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अभी हमारी डिस्टेंस कितनी बची, 300, लेंथी मेथड, लेकिन कह तो सकते हैं ना कि अभी हमने 100 किलोमीटर का स्टेप लिया, तो 300 किलोमीटर अभी और है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 400 जाना था, 300 बचा है, मींस 400 माइनस 300 का स्टेप लिया। इसी का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और इसको ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि हमारा हर स्टेप एल की ओर जाएगा, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा पहला स्टेप पहुंचा x1 पे, है ना, तो हम उसे ये भी तो कह सकते हैं कि ये l की ओर अप्रोच कर गया, कितना अप्रोच कर लिया, तो हमने कहा एप्साइलन 1, ना जैसे कह रहे थे ना कि हमें 400 जाना है, हमें l तक जाना है, तो हमने 100 मीटर का सॉरी 100 हाँ मीटर ही ले लीजिए, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो रहा था, 100 मीटर भी ज्यादा है, लेकिन 100 मीटर का फर्स्ट स्टेप है, तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि 400 माइनस रिमेन डिस्टेंस। तो वैसे ही हमने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप x1 इज इक्वल टू क्या है,
जहां पे अप्रोच कर रहे हैं माइनस रिमेन्स स्टेट. सिमिलरली एच टू एप्साइलन टू एक्स थ्री एल माइनस एप्साइलन थ्री. तो इस तरीके से एक्स एन क्या बन जाएगा, एप्साइलन एन, है ना. तो इससे हमें क्या मिल गया, वी कंसीडर एक्स एन सच एज एक्स एन एज एक्स एन इज इक्वल टू एल माइनस एप्साइलन एन. इसे स्टेप फर्स्ट कर लेते हैं, सिक्वेशन फर्स्ट, है ना. अब बात समझिएगा. अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये x1, x2, x3, ये तो xn वाली एक सीक्वेंस बन ही रही है, साथ ही साथ ये जो घटने वाली है, ये जो डिक्रीजिंग वाली सीक्वेंस है ना, जैसे अभी तक क्या हो रहा था 100, 200, 300, 400 बन रही थी, वैसे ये क्या बनेगी, अब कैसे बनेगी, 400 माइनस 300, 400 माइनस 200, 400 माइनस 100, 400 माइनस 0. मतलब एक दूसरी सीक्वेंस कौन सी बन रही है, 400 को हटा दीजिए, 300, 200, 100, ना. तो वही वाली यहां पर सीक्वेंस कौन है, x1, x2, ये वाली वही वाली सीक्वेंस है ना. अब आप सोच के देखो कि हमारा सीक्वेंस xn l की ओर अप्रोच कर रहा था, ये l से डिस्टेंस बता रहा है, तो ये किस ओर अप्रोच करेगा, ये हमारी एप्सिलॉन वन वाली सीक्वेंस किस ओर अप्रोच करेगी, l से हमारे सीक्वेंस की डिस्टेंस किस ओर अप्रोच करेगी, जीरो की ओर, क्योंकि xn को 400 पे पहुंचना है. तो जैसे जैसे 400 के करीब जाएगा ये एप्सिलॉन वन वाला जीरो के करीब चला जाता जाएगा, तो लिमिट ऑफ एप्सिलॉन n कितनी हो जाएगी, जीरो. विच इंप्लाइज कि लिमिट ऑफ एप्सिलॉन n इज इक्वल टू जीरो, ठीक, है ना. हालांकि इसको आप मैथमेटिकल भी कर सकते थे, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में आप लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ये रियल नंबर आ गया, सॉरी कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म की लिमिट कोई कांस्टेंट टर्म ये एल, लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एल माइनस लिमिट ऑफ एप्सिलॉन एन, ये एल आ जाता यहां से, तो एल एल कैंसिल, तो माइनस लिमिट ऑफ एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू जीरो, तो मींस लिमिट ऑफ एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू जीरो, लेकिन हमने यहां से भी कर लिया. अब अगर लिमिट ऑफ एप्सिलॉन एन जीरो है तो इससे हमें दो कॉन्क्लूजन मिले, क्या मिले, कि पहली चीज कि अगर लिमिट एप्सिलॉन एन वाला जो ये सीक्वेंस है ये एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब एप्सिलॉन एन ऐसे लिखते हैं, वी आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. तो मतलब एप्सिलॉन एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन एवरी टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, एवरी टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस एंड इट्स मॉड्स, एवरी टर्म्स मॉड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रियल नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 0. फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सीक्वेंस एप्सिलॉन एन बाउंडेड है तो उसके हर एक टर्म का मॉड एक फिक्स्ड रियल नंबर जो कि जीरो से बड़ा है. हालांकि ये चीज कहने की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि मॉड मतलब पॉजिटिव होगा ही, और अगर ये बड़ा है तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, तो हर एक इसका टर्म के से छोटा होगा, ये बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो उसके इक्वल होगा. दूसरी चीज क्या, अगर लिमिट ऑफ एप्सिलॉन एन जीरो है तो मतलब एप्सिलॉन एन एक टाइम के बाद जीरो के करीब पहुंचने लगेगा, और हम मानते हैं कि वो जो टाइम है वो कौन सा है, m, मतलब m एक ऐसा नेचुरल नंबर है जहां से आगे बढ़ने पर जीरो से डेल डिस्टेंस से भी कम एप्सिलॉन n की जीरो डिस्टेंस बचती है. तो ये दो हमें मिल गए ना, इन दोनों को ध्यान रखिएगा. अब यहां पर देखिए एप्सिलॉन n माइनस जीरो है तो हटा देते हैं क्योंकि जगह ऐसे ही कम है, हमें दो तीन बार रफ करना पड़ सकता है. तो ये दो कॉन्क्लूजन मिल गए, ये कॉन्क्लूजन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन ये सिर्फ एम से बड़े वालों के लिए. हमारी थ्योरम कुछ इस ओर जा रही है ना, उसकी भी जरूरत. अब देखिए नाउ एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू एक्स वन, तो एक्स वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
जब ये कम है तो उसको बार बार नहीं नोट करते, प्लस एल माइनस एप्साइलन टू होते हुए होते होते एल माइनस एप्साइलन एन अपॉन एन। अब देख लीजिएगा इसको, ये क्या है एल माइनस एप्साइलन एन, है ना। एल 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 कितनी बार है, एन टर्म्स है, क्योंकि एन टर्म्स लिए गए हैं ना, तो एन एल टाइम एड होके क्या हो जाएगा एन एल अपॉन एन माइनस एप्साइलन वन प्लस एप्साइलन टू प्लस एप्साइलन थ्री होते होते एप्साइलन एन अपॉन एन, ना ये हो गया, या एन से एन कैंसिल। देन एस एन इज इक्वल टू एल माइनस, इसको हम टी एन लिखे ले रहे हैं ना, अभी आगे इंडिकेट कर देंगे टी एन। इक्वेशन फोर वेयर टी एन इज इक्वल टू, अलग ही नोट कर लें क्या कहीं, चलिए जैसी जरूरत होगी, रफ करना पड़ेगा तो रफ कर देंगे, आप ध्यान रखिएगा ना। ये आ गया ये, तो टी एन ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा काम है ना। तो ये हो गई एस एन, हमें मिल गया, हमें प्रूफ करना है कि एस एन की लिमिट एल है। तो हम यहां पे अगर लिमिट लें तो लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू एल माइनस लिमिट ऑफ टी एन, ये लिमिट ऑफ टी एन तो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम जीरो कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टी एन ये है ना, हाँ, तो इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। कौन कौन से, देखिए हमारे पास दो कंडीशन है इसके लिए, एप्सिलॉन एन के लिए, एक एन इज ग्रेटर देन एम के लिए और एक ऑल एन के लिए। तो इसके हिसाब से करते हैं कि एम से बड़े वाले अलग और एम से छोटे वाले अलग। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस ले लीजिए ये, और मॉडुलस ऑफ टी एन इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट्स में कर लिया होते होते एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन एम से बड़े वाले होते 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 ये, ना। थोड़ा आप देखिएगा, शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसा करिए साथ में या अभी कहीं पे लिख लीजिए ना, क्योंकि ये लग रहा है कि शायद थोड़ी दिक्कत करेगा दिखने में। आप देखिए, अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, है ना। तो देखिए यहां तक को मॉडुलस ऑफ ए में ऐड कर लीजिए और यहां तक वाले को मॉडुलस ऑफ बी में रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एम तक वाला अपॉन एन प्लस एम से बड़ा वाला अपॉन एन। फिर इसमें वही वाली सॉरी ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, फिर इसमें वही वाली प्रॉपर्टी लेस देन और इक्वल टू, अब हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए मॉडुलस, अब की दो स्टेप पे ही देते हैं ना, अपॉन एम प्लस एम प्लस वन से होता हुआ, है ना, ये हर जगह पे मॉडुलस ब्रेक है ना। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एप्साइलन एन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, वो के से छोटा है तो मतलब ये भी के से छोटा, ये भी के से छोटा, ये भी के से छोटा, ये सब भी के से छोटे, लेकिन इनके लिए हम के का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनके लिए के का यूज कर रहे हैं। और हाँ एक चीज और, ये कंडीशन लग कब रही है, ये कंडीशन जो हमने यहां एम से ब्रेक कर लिया है, ये यहां पे लिखे दे रहे हैं एम एन जो है एन से ग्रेटर होना चाहिए, अगर एन एम से ग्रेटर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमने यहां पर लिया है कि एन वन टू एन के बीच में एम है, तो मतलब एन से एम छोटा है। हाँ ये चीज ध्यान दीजिए क्योंकि इसका भी यूज आगे लगेगा, तो हर जगह नहीं लिखते हैं, एक जगह लिख देते हैं याद रखिएगा क्योंकि जगह कम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे, हमने कहा इनकी जगह पे ये सब के से छोटे हैं, ये इनसे ही छोटा है और के इन सबसे भी बड़ा है, तो मतलब क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ टीयर वो लेस देन होगा, इन सब की वैल्यू के रख देंगे, एप्सिलॉन वन टू सब की वैल्यू के रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा एम के अपॉन एन प्लस। इसकी में देखो जब एन एम से आगे बढ़ता है तो उसकी वैल्यू डेल से छोटी होती है, ये कितने टर्म है एन माइनस एम, तो यहां पे सबकी जगह पे हम डेल रख देंगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस एम इंटू डेल अपॉन एन। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख लीजिएगा, फॉर ऑल
n, sorry, n is greater than or equal to m, है ना? दिख रहा होगा k क्या है, ये वाला, ये भी पॉजिटिव, डेल है पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि हम कुछ खुराफात करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं, tm यहां पर मिल गया, इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको किसको, m के अपॉन n को। तो देखिए यहां पर m क्या है, m n से छोटा है, लेकिन कोई कंफर्म तो है नहीं कहां है, तो हमको ही चूज करना है m कि जहां से उसकी डिस्टेंस डेल से कम होती चली जाए और m के हिसाब से डेल भी चेंज हो जाएगा। तो वी चूज m एंड डेल सच एज, कैसे चूज कर रहे हैं कि m k upon n less than del, है ना? तो इससे क्या होगा कि n is greater than m k upon del, है ना? तो यहां पर रख देते हैं, देखो सॉरी देखिए देखिए ये क्या है, ये m k upon n यहां रख रहे हैं और सब पॉजिटिव चल रहा है, तो ये इससे छोटा है, ये इक्वल नहीं है, मतलब छोटा है। अब m k upon n से बड़ी वैल्यू हम ला रहे हैं, कौन, डेल, तो यहां पर रखेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ tn इज लेस देन डेल प्लस, यहां देखिए हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो n upon n minus m upon n, तो n upon n बच जाएगा 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई में है डेल और माइनस m डेल अपॉन n, है ना? हाँ सही चला। लेकिन ये कब है, ये तब है जब n जो है m के अपॉन डेल से छोटा है एंड n इज लेस देन और इक्वल टू m। हाँ अब देखिए जैसे क्या है कि अभी देखिए जैसे ये इसके सम और इसके सब्सट्रैक्शन से छोटा है, है ना? तो अब ये हम अगर सब्सट्रैक्शन वाला हटा दें, मतलब कह क्या रहे हैं कि ये 5 माइनस 3 से छोटा है, तो अगर हम माइनस 3 हटा ही दें तब भी तो छोटा ही रहेगा, तो उसको हटा ही देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ tn इज लेस देन 2 del, है ना? फॉर ऑल यही वाली कंडीशन यहां पर, है ना? तो यहां पर दो दो कंडीशन है, ये हमें प्रॉब्लम दे रही है, मतलब हमें ऐसा m चूज करना है कि m के अपॉन डेल n से बड़ा रहे और m भी n से छोटा रहे, है ना? m के अपॉन डेल n से छोटा रहे और m भी छोटा रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर कि हमें एक ही वो लेना पड़े, वी कंसीडर n0 कैसा है, मैक्स ऑफ m k upon del and m, मतलब m और m k upon del में जो बड़ा है, जो भी बड़ा है, हमने उसको ले लिया n0। तो अब क्या आ जाएगा, अब देखिए n0 अगर 1 आ गया, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कि modulus of tn is less than 2 del for all n is greater than or equal to 0, ठीक। हां तो ये देखिए n0, अब देखिए अगर हम n 0 ऐसा ले रहे हैं जो हमेशा n से छोटा है और इन दोनों में वो मैक्स है, तो मैक्स का मतलब अगर ये हुआ तो मतलब हमने पहले के देखिए छोटे हैं क्योंकि हमने मैक्स लेना था, ये ले लिया, तो इससे अगर n बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इससे ऑलरेडी होगा क्योंकि ये से छोटा है, तभी वो वहां पे आ पाए n 0 की जगह, अगर ये उसके उल्टे भी कर सकते हैं ना, तो ये बात यहां तक आ गई। अब ये थोड़ा-थोड़ा लिमिट की डेफिनेशन बता रहे हैं, मॉडुलस ऑफ tn माइनस 0 इज लेस देन डेल फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ना? तो यहां पे थोड़ा रफ कर देते हैं, हालांकि ज्यादा रफ नहीं करना पड़ा, एक अच्छी खबर, यहां की जरूरत, इसकी जरूरत पड़ेगी तो यहां तक हटा देते हैं। हां ये क्या बता रहे हैं कि tn माइनस 0 जो है, मतलब tn 0 की ओर अप्रोच कर रहा है जब n 0 से बड़ा होता है, तो मतलब लिमिट ऑफ tn इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो नाउ फ्रॉम फोर्थ स्टेटमेंट sn इज इक्वल्स टू l माइनस tn, लिमिट ऑफ sn इज इक्वल्स टू l कांस्टेंट है, लिमिट ऑफ tn
लिमिट ऑफ टी एन जीरो है, तो मतलब लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू एल माइनस जीरो, दैट इज लिमिट ऑफ एस एन इज इक्वल टू एल, हैंस प्रूव्ड। ये है कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। थ्योरम प्रूफ तो जो है जैसा भी है हो ही गया, लेकिन इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वो एसएन दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि उसमें एक्सएन कहीं छुपा रहेगा, और वही एक्सएन आपको निकाल के उसकी लिमिट निकाल लीजिए, और फिर सीधे यही लिख दीजिए कि कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट सेज दैट द लिमिट ऑफ एसएन इज आल्सो एस। इस थ्योरम का प्रूफ जिसका नाम है कॉशिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है ना, जो ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये सब कौन सा रहा, लिमिट ऑफ एप्सिलॉन वाला पार्ट की लिमिट ऑफ एप्सिलॉन 0 मिल गया, तो बाउंडेड भी हो गया, उसकी लिमिट भी मिल गई, तो हमें ये k मिल गया, ये डेल मिल गया। ये वाले टर्म ये भले ही इधर फर्जी में लिखे रहते हैं, लेकिन इन पे भी थोड़ा कंसंट्रेट रखिएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।